सर तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल व्लॉगिंग अर्थ उमर में। तो आई होप यू आर आर गोइंग वेल। तो आज के व्लॉग में देखते हैं क्या क्या होने वाला है। तो अभी तो हम लोग, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि मैंने आपको दिखाया कुछ, वो था फूड बोलते हैं उसको, तो घर पे अभी सब लोग वही खा रहे हैं। देखिए मतलब खा चुके, बस थोड़ा सा बचा है, ख़त्म होने वाला है। इतना बचा है और पूरा ख़त्म हो गया, बहुत बड़ा सा था। तो ये इतना जितना जितना बचा है ना, वो देखिए मम्मी अभी सब्जी काटती है। कहाँ की सब्जी है पता नहीं, अभी सर पता है सूखी सब्जी बनेगी लंच के लिए। तो और क्या होने वाला आज? और ये सीजन का पहले ही फूट आया मेरे घर में, और जबकि इसका सीजन तो ये जन्माष्टमी पहले से शुरुआत हो जाती है, लेकिन अब बहुत कम मिलता है, इसलिए बाहर आया था बेचने वाला तो पापा ने लिया था और सब लोगों ने खा लिया, पेट भर गया। फ्रेंड्स अभी आए हैं हम डेंटिस्ट के पास, दांत में कुछ प्रॉब्लम थी तो उन्होंने बोला कि RCT करानी पड़ेगी, तो RCT कराना है। तो अभी घर से खबर भी आ गई कि मेरे घर में जो भैंस थी श्यामा, उसने बच्चे को जन्म दिया है। तो हम लोग बस फटाफट अपना काम करके अपने घर पहुंचते हैं। अजय दिखाई नहीं सही है, मुझे एकदम काला। इको आई इनका का नाम, अच्छा नाम कलर होगा। ये बेचारी दर्दी मुझसे इतने परेशान है, खा पिया बंद करें। हेलो श्यामा, ये श्यामा है, काला रंग के लिए इनका श्यामा कही था। सो फ्रेंड्स ये दाल है अभी की और इसमें तेल पड़ा है, तो ये भैंस को दिया जाएगा कि जिसमें कि वो झर छोड़ दे जल्दी, वैसे 3-4 घंटे तो वैसे भी लगेंगे। को खा रहे आओ लाई जाए, ये दाल लाए कि तेल हो ले। अभी उसके लिए दाल और तेल थोड़ा सा और ले जा रहे हैं। तो अभी मम्मी जो है पड़िया के पैर में काला धागा बांध रही है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनको बांधा जाता है। उठो उठो, ओ ये देखो प्यासे हुई है, हौदा बंद है। तो अभी भैंस ने झर छोड़ दी और इसको नहलाया जाएगा, नहलाने के बाद फिर इसके दूध को दुहा जाएगा और उसी दूध से बनेगी खोजरी। और अभी छोटी अली पड़िया को भी नहलाया जाएगा। और अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लें, और कमेंट में बताइए कि भैंस के आपने कभी देखा है ऐसे ब्लॉग को, और अगर देखा हो तो प्लीज़ फिर कमेंट करके बताइएगा।